अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन हाउस। और आज हम आपको ये अंगरखा बनाना सिखाएंगे, जो कि आप रेगुलर कपड़े में ऐसे भी बना सकते हैं। ढाई मीटर आपके इसके लिए कपड़ा ले सकते हैं और बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर आप इसका दामन बड़ा करना चाहें तो फिर आप इसके साइड में पैनल्स जोड़ लें। आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद है। अगर आपको मेरे डिज़ाइन पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स स्टार्ट। ये देखिए व्यूअर्स, हमने ये एक प्रिंटेड फैब्रिक लिया है जिसकी टू साइड पर बॉर्डर है। जैसा कि दुपट्टे होते हैं तो हम इसमें से अपनी शर्ट बनाएंगे, क्योंकि एक रेगुलर प्रिंट है और हम इसे थोड़ा सा अंगरखे की लुक देंगे। और इसके ऊपर ये हम लगाएंगे लेस, और हो सकता है। अब मैं आपको इसकी कटिंग बताती हूँ और इसकी जो प्लेट्स होंगी उसका तरीका बताती हूँ। हम इसका दोनों साइड से बॉर्डर निकाल लेंगे। ये मैं आपको छोटे फैब्रिक पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फुल शर्ट जो है वो आती नहीं है कैमरे में। तो हम इसकी प्लेट्स देंगे कुछ इस तरह से कि आप ये देखें कि हम ये डबल कर लेंगे अपनी शर्ट को। हमने अपनी शर्ट की लेंथ लेनी है जितनी हमारी शर्ट की लेंथ होती है नॉर्मली। अगर आप जितनी लेंथ रखना चाहें आप उतनी रख सकते हैं। हमने ये अब शर्ट रख ली है। अब हम इसमें कुछ प्लेट्स इस तरह से देंगे। अब ये है हमारी शर्ट और ये हो गई है हमारी नेक। हमने ये नेक रख ली है अपने हिसाब से और यहाँ पर हम आर्म होल कटिंग कर देंगे। सो हमने इसकी चौड़ाई जितनी चौड़ाई थी शर्ट की हमने उतनी ले ली है। अब हम शर्ट को कुछ इस तरह से कटिंग करेंगे पैनल्स को, हमने यहाँ से इसे डबल करना है। हमने आर्म होल वाला हिस्सा छोड़ दिया है और ये है हमारी नेक वाला हिस्सा। तो यहाँ से हमने इसे डबल किया है और यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये हो गया है, हमने 3-3 इंचेस की हमने जो है वो पैनल्स बनानी है। सो हम यहाँ तक जो है कमर तक हम स्ट्रेट निशान लगाएंगे और फिर इस प्लेट को हम कुछ इस तरह से कर लेंगे, जैसे इस तरह से नीचे से ये कम होंगी और ये ऊपर से ज़्यादा होती जाएंगी और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट होंगी, जिससे आपकी जो है अनारकली लुक आ जाएगी पैनल्स में। सो हम इस तरह से बनाएंगे ये। तो मैं आपको प्लेट्स डालने का तरीका बताती हूँ। जैसे ये प्लेट यहाँ से इस तरह होगी और फिर ये इस तरह आ जाएगी, तो हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। मैं आपको दोबारा से एक बात बता देती हूँ कि ये हमने इसका आर्म होल कटिंग करना है और यहाँ हमने इसकी नेक कटिंग करनी है। सो हम पहले प्लेट्स डालेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये है हमारी प्लेट। सो प्लेट कुछ इस तरह से होगी कि हमने पहले इसको इस तरह से रखना है। 3-3 इंचेस या 2 इंचेस आप जो है वो चौड़ी प्लेट डाल लें। अगर आपने ज़्यादा पैनल्स वाला बनाना है तो आप जो है वो 2 पैनल्स डाल सकते हैं, 3, और नीचे से ये आ जाएगा इस तरह से। लेकिन ये बहुत फिनिशिंग के साथ आपने करना है और बहुत ईजी प्लेट्स बनती हैं ये और बहुत खूबसूरत लुक आ जाती है यहाँ तक। और यहाँ से ये हमने कर देना है सीधा। अब हमने प्लेट डाली है और अब हम प्लेट आपको बताते हैं कि किस तरह से डालेंगे। ये देखिए, हमने इसके दोनों साइड पे प्लेट्स डाल ली हैं इस तरह से और ये प्लेट्स का जो अंदर का कपड़ा है हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करके हम आयरन कर लेंगे। अब हम इसका आर्म होल कटिंग कर लेंगे। आर्म होल अपने हिसाब से रखें जितना आपका साइज हो। और हम यहाँ से थोड़ा सा डीप कटिंग करते हैं, यहाँ से फिटिंग अच्छी बैठती है। तो चाहे छोटों की हो चाहे बड़ों की, हमें ये थोड़ा सा डीप कटिंग करना होता है और यहाँ से हम इसकी हल्की सी अगर आप चाहें तो फिटिंग कर सकते हैं, वरना आप पैनल्स के थ्रू फिटिंग करें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो हमारी शर्ट कटिंग हो गई है, अब हम इसकी नेक पर आ जाएंगे। ये हम इसकी स्लीव्स कटिंग कर लेंगे और आगे हम इसके बॉर्डर लगा लेंगे।
ये हो गई है हमारी स्लीव कटिंग। सेंटर में हम इस तरह कट लगा लेते हैं ताकि हमें स्टिचिंग में आसानी हो। व्यूअर्स, हमने अब फ्यूजिंग पेपर लेनी है और इसकी हमने नेक कटिंग करनी है। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हमने इसकी शेप कटिंग करनी है। सबसे पहले पेपर हमने कुछ इस तरह से लेना है कि हमने एक साइड जो है वो स्ट्रेट ले रही है और एक साइड हम थोड़ी सी कर्व कर देंगे, थोड़ी सी क्या, हम बिल्कुल इसे राउंड कर देंगे और अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। ये हमने पीस लिया है इसका और मैं आपको इसकी चौड़ाई और लंबाई बता देती हूँ। हमने इसकी चौड़ाई ली है, सॉरी लंबाई हमने इसकी ली है 13 inches और इसकी चौड़ाई हम ले लेंगे 10 inches। और इसके बाद हम इस पर नेक कटिंग करेंगे जितनी हमने नेक रखनी है। सो नेक आप अपने हिसाब से रखिए, उसका मैं आपको साइज़ नहीं बताऊंगी क्योंकि आप अपने हिसाब से रखिएगा कि अगर आप बड़ी पहनते हैं, छोटी पहनते हैं, बोट नेक बनानी है आपने। ये हमने इसकी नेक कटिंग कर ली है और अब हम इसे प्लेन फैब्रिक पर आयरन कर लेंगे। अगर आप किसी कोई कलर की कंट्रास्टिंग करना चाहें कंट्रास्टिंग कर लें, हम इसे इस कपड़े पर आयरन कर लेंगे। अब हम फ्रंट की नेक कटिंग कर लेंगे इसके हिसाब से। अब हमने फ्रंट की शर्ट का जो नेक है वो भी इसी हिसाब से कटिंग कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसकी लेसेस और इन चीज़ों पर आ जाते हैं। इसकी कुछ डेकोरेशन हमने करनी है, उस पर आ जाते हैं हम। अब हम इसे अंदर से मोड़ लेते हैं, सारी जगह से इसे मोड़ कर हम इसे नीचे की तरफ रखेंगे और फिर इस पर सिलाई लगाएंगे। यह हमारी फ्रंट पीस की बैक साइड, मतलब उल्टी साइड है। ये हमने शर्ट को उल्टा किया, ये देखिए पैनल्स की जो है वो नज़र आ रही है सिलाई। सो हम इसको रखेंगे इस तरह से, इस तरह यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और इसे अंदर की तरफ पलट देंगे। हमने यहाँ पर जो सिलाई लगाई थी, अब हम इसे ये देखें, हम इस तरह से लगाएंगे इसे। हम पहले आयरन कर लेंगे। अब ये देखें हमने नेक बना ली है, लेकिन अभी हमने यहाँ से इसकी सिलाई नहीं लगाई है। तो हम ये पट्टी लेंगे और इस पर लगाएंगे, यहाँ पर हमने दोनों साइड से अंदर की तरफ जो है वो इसे फोल्ड कर लिया है आयरन से। तो हम ये पट्टी लगाएंगे थोड़ा अंदर की तरफ करके ताकि इसमें नज़र ना आए कुछ, और फिर हम इसे स्ट्रेट करके इस पट्टी को लगा लेंगे इस तरह से। अब ये देखें व्यूअर्स, हमने इसको दोनों तरफ से अंदर की तरफ आयरन कर लिया है और इसे हम इसके अंदर की तरफ रखकर यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एक सिलाई से स्ट्रेट करके लगा लेंगे यहाँ पर। अब ये नेक हमने लगा ली है और इस पर पट्टी भी लगा ली है नीचे। सो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक इसे लगा लेंगे। मम्मा, मैं
यहाँ तक हम इसे पहले जो है वो सिलाई से लगा लेंगे। पहले हम ये लगाएंगे, तो हम इसे पिनअप कर लेते हैं यहाँ से। अब हमने ये वाली साइड लेनी है और इस पर हम लैस लगाएंगे। यहाँ हमने लैस लगा ली है। ये देखिए व्यूअर्स, हमने जो है इस पर लैस लगा ली है। और व्यूअर्स ये देखिए, हमने इसकी जो है वो स्लीव्स ज्वाइन कर ली है। फिटिंग करके हमने नीचे बॉर्डर ज्वाइन किया है। बहुत इजी तरीके से हमने आपको अंगरखा बनाना सिखाया है। आई होप आपको ये तरीका समझ आ जाए। और अगर आपको कोई भी शिकायत हो हमसे तो हमें कमेंट्स कीजिए प्लीज़। आपकी कमेंट्स हमारी बहुत प्रीशियस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।